हेलो एवरीवन, चलो मार्केट को देखते हैं। मार्केट का मोमेंटम करेगा, हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फिलहाल के लिए अगर आप निफ्टी का सिचुएशन को देखते हो, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता के रखा था, ये जो सिचुएशन यहाँ पर वॉलिडिटी हुई है, ये बहुत परेशान करने वाली है और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इसकी वजह से आज के दिन पे भी मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट नीचे तो जाएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन करके रखना। क्लियरली आपको मेंशन करके रखा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ मेरे खुद के लिए, मैं कैसे स्टडी करता हूँ खुद के लिए, आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। मैंने आपको लिख कर भी दिया था, नोटबुक में मेरे खुद लिखा था, उसका फोटो भी आपको दिखाया था, ताकि स्टडी कैसे किया जाता है। अब आप देखिए, मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर रहा है, कहीं पर भी मोमेंटम नहीं किया। मेरा प्लान क्या होने वाला है चीजें दिखाता हूं। जिस तरीके से मैं पिक्चर परफेक्ट को देख पा रहा हूं, मैंने कल भी बता के रखा था, बैंक निफ्टी को स्लाइटली गैप अप ओपन होना, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, स्लाइटली गैप अप होना ही बायर्स के लिए अच्छी बात है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके देख लेना, मैंने मैसेज भी डाला था मॉर्निंग में। थोड़ा स्लाइटली गैप अप अगर ओपन होता तो बायर के लिए अच्छा होता। अगर ये थोड़ा सा नीचे नीचे आता है तो थोड़ा सा दिक्कत ही क्रिएट करेगा या फिर साइडवेज के तरीके से जा सकता है। मैंने अभी एक स्ट्रैडल क्रिएट करके रखा हुआ है, मैंने पोजीशन टेलीग्राम के अंदर भी आपको डाल के रखी हुई है। 24,600 का मैंने यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को भी शॉर्ट करके रखा हुआ है, दोनों को भी सेल करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरा व्यू क्या है मार्केट के अंदर, एक मुझे रेंज दिख रही है। रेंज के अगर ये ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, किसी भी तरीके से चला जाए, आई गॉट अ प्रॉफिट, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। क्योंकि आप सबको पता है थर्सडे के दिन के अंदर अंदर एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के पहले पहले निफ्टी के अंदर एक अगर मुझे यहाँ से बस 30-40 रुपए भी अगर मिल जाते तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। क्योंकि मैंने 1500 क्वांटिटी कॉल की शॉर्ट करके रखी हुई है और पीई के साइड में मैंने 1500 क्वांटिटी को शॉर्ट करके रखी हुई है। ऑलमोस्ट हम लोग टोटल 3000 टोटल मेरे पास क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, मैंने इतनी क्वांटिटी को सेल करके रखा हुआ है उसके अंदर, और मुझे प्रीमियम मिल रहा है 140 का मुझे प्रीमियम मिल रहा है इन दोनों के बीच में। अगर ये 140 दोनों का होगा, मुझे प्रीमियम बढ़िया तरीके से मिल रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। क्योंकि 140 कितने हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का यहाँ पर कुछ हो जाते हैं। 280 पॉइंट्स मेरे पास टोटल है, 280 पॉइंट्स के अंदर मुझे यहाँ पर बस ओनली 20 रुपीज 30 रुपीज या 40 रुपीज मिल जाते हैं। तो 40 रुपीज इंटू 3000 क्वांटिटी को मान के चले, दोनों का मिलकर भी यहाँ पर मुझे 40 रुपीज मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 1,20,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बनाया जा सकता है, इतनी क्वांटिटी मैंने अच्छी खासी उसको सेल करके रखी हुई है। लेट्स सी, देखते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। इसके अंदर रिस्क भी है, कुछ क्वांटिटी रिस्क भी जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी आ सकता है, दोनों भी चीजें हो सकती है। 1,20,000 का मैं प्रॉफिट भी लेके आ रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, मैंने उसके लिए पहले ही प्लान करके रखा हुआ है। 1,00,000 का इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर अगर पूरा टाइम, मतलब मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर साइडवेज रहा है, अगर ऐसे ही रहा और 2-4 दिन भी ऐसे रहता तो मुझे उस पोजिशन को घर लेके जाना है, आराम से बैठे रहना है। मार्केट ऊपर नीचे वॉलिटिलिटी क्रिएट करता रहेगा, तो मेरे पास है टोटल ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स है। जितना ज्यादा मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा, मुझे अगर 100 पॉइंट्स भी इसके अंदर प्रीमियम डीके पूरी तरीके से मिल जाता है, तो भी इसका कैलकुलेट बस 1500 रुपीज से इसको कैलकुलेट करके रखना। इतना पैसा 1.5 इतने सारे पैसे यहाँ पर मिलाए जा सकते, इतने अच्छे खासे पैसे यहाँ पर गेन कर सकते। लेट इट सी कि देखते हैं कि मार्केट क्या मोमेंटम करेगा, कहाँ पर करेगा। मेरा पिक्चर कल के दिन पे क्या होने वाला है कि अगर निफ्टी को सच में अपसाइड मोमेंटम करना है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप अप ओपन होने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा गैप अप ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल पे पास ओपन होने के बाद निफ्टी यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करने के चांसेस थोड़े से ज्यादा मुझे नहीं लग रहे हैं किसी भी हालत पे। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक छोटा सा गैप अप दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि मार्केट को सेल करने की गलती नहीं करनी है। फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है और फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो हम कुछ प्लान करेंगे, फिर से मार्केट को सेलिंग के बारे में प्लान क्रिएट करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं प्लान क्रिएट करके बैठा था, मार्केट अगर प्लान अलग चेंज कर रहा है तो मुझे भी यहाँ पर प्लान को चेंज करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बिहेवियर दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने पड़ सकते। मैंने अभी जो स्ट्रैडल क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलमोस्ट 24,600 का, तो मार्केट उसी रेंज के अंदर अंदर है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत लॉस भी दिखने लगा होगा। लेकिन लेट्स सी, कल का दिन है तो रात में कुछ प्रीमियम डीके भी मिलेंगे, तो मुझे सुबह का उसका फायदा जरूर हो सकता है। लेट्स सी, देखते देखो निफ्टी एक जो रेंज लगा के बैठा हुआ है, रेंज क्रिएट करके बैठा हुआ है, इसके बाहर इसको आने के लिए गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है, तो फिर यहां पर ये थोड़ी देर के लिए सस्टेन करेगा और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, तभी कुछ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वरना होगा होने वाला क्या, मुझे मैं जिस तरीके से मार्केट को देख पा रहा हूं, जैसे एक रेंज क्रिएट हुई यहां पर, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट जिस तरीके से हुई थी, इस वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट और एक दिन, मतलब हमारे पास है ट्यूसडे, फिर उसके बाद है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे हमारे पास है, और एक थर्सडे हमारे पास है। थर्सडे पे हमारे एक्सपायर होने वाले हैं, तो ये 2 दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। क्योंकि देखो सब खेल क्या होने वाला है कि अगर एक गैप अप अगर हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, तभी कुछ खेल यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। अगर किसी भी हालत पे ये इसी रेंज के अंदर ओपन होकर अगर फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर इसी रेंज के अंदर थोड़ा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा धीरे धीरे कर, अगर कुछ इसको अलग ही करना है मार्केट को कहीं ना कहीं, तो फिर गैप अप या फिर गैप डाउन इसी तरीके से
डिजाइनिंग क्रिएट करेगा तभी कुछ अच्छा खासा यहाँ पर चेंजेस होने की कोशिश हो सकती है, अदरवाइज कुछ ज्यादा अच्छा खासा मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हम लोग मेरे पास और 2 से 3 दिन है एक्सपायरी तक, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंडीशन के अंदर मिल सकता है। मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग इन दोनों को डिफरेंस मार्केट के अंदर नहीं समझता। एक अगर एक ट्रेडर को किसी भी चार्ट आता है तो उसको कोई सेलिंग बाइंग नहीं होता, वो सब प्लान कर सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं दिख रही, इसके लिए ऑप्शन सेल करके मैं प्रीमियर डीके का फायदा लेने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे बढ़िया मौका है, वन वे मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट दिखता है, तो मैं वहां पर बाइंग करके ऑप्शन बाइंग करके भी पैसे बना लूंगा, क्योंकि मैं आज तक 99% ऑप्शन बाइंग ही करता हूं और मुझे 99% ऑप्शन बाइंग ही पसंद है, क्योंकि प्रीमियम डीके के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, फिर जाकर कुछ पैसे बनते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। फटाफट पैसा बनना मोमेंटम में, वो मुझे ज्यादा पसंद होता है इस कंडीशन पे। लेट्स सी मार्केट क्या करेगा, फिर उस हिसाब से हम प्लान क्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्या होता है। एक बात तो याद रखना मैंने जिस तरीके से बताई, अगर इसको कुछ अलग से करना, गैप अप या गैप डाउन बनेगा तभी जाकर कुछ प्लान बन सकता है। उसके पहले पहले मैं आपको ज्यादा कुछ एनालिसिस यहाँ पर खींचने के लिए नहीं कोशिश करने वाला। चलो एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव आज क्यों हुआ ये मैं समझ नहीं पा रहा। आज के दिन पे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा, बैंक निफ्टी के पास एक स्पेस था कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता था। बैंक निफ्टी ऊपर जाकर यहाँ पर इसी रेंज के अंदर अंदर और ज्यादा टाइम पास करता, और इसी रेंज के अंदर अगर ऊपर जाकर क्लोज ही कर देता तभी थोड़ा सा मौका अच्छा मिलता बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ आकर क्लोज कर रहा है तो ये थोड़ा सा फिर से परेशानी में डालने वाला है आप सबको। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ये वीडियो अगर जल्दी देख रहे हो, अभी भी टाइम है, नहीं कुछ भी कर लो, वीडियो आने के लिए तो 3:30 बजने ही वाले, क्योंकि एडिट वगैरह करके 10-15 मिनट तो जाने ही वाले। अगर आप पहले ही देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पे आपको जल्दी से, अगर वीडियो खत्म हुआ तो फटाक से करके पोस्ट डालने के लिए। सो अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मार्केट अगर ओपन हो जाता है, इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश तो करेगा लेकिन फिर बार बार ऊपर आने की कोशिश करेगा, फिर बार बार यहां से बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी नीचे ज्यादा जाने नहीं वाला, बात याद रखो। आपको फिर भी बता रहा हूं एक चीज है, अगर मान के चलते बैंक निफ्टी यहां पर ओपन हो जाए, बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फिर बैंक निफ्टी जब आपको बाउंस बैक करता हुआ दिख जाएगा, यहां पर आपको कुछ चीजें परफेक्ट पिक्चर के साथ दिखती है, तो फिर से बैंक निफ्टी को बाय करो। बैंक निफ्टी अभी जिस तरीके से यहां पर एक होल्ड करके रख रहा है इसी रेंज के अंदर, ये होल्ड ओनली और ओनली बाइंग की तरफ, मैं पिक्चर क्लियर कट देख रहा हूं, ये बाइंग की तरफ का होल्ड है, ये किसी भी हालत पे इसको सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी रैली करके आया था, यहां पर थोड़ा रुक रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। जितना भी नीचे जाएगा आपको जहां पर बाइंग होगा फिर मार्केट ऊपर आएगा। आज के दिन पे आपने देखा होगा यहां से जितना थोड़ा नीचे गया फिर बाइंग आया फिर ऊपर चला गया, आज आकर यहां पर तो क्लोज करने की कोशिश तो भाई साहब जरूर कर रहे, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा सा बाइंग की तरफ मेरा ज्यादा फोकस यहां पर फिलहाल के लिए होने वाला है। 53,000 के नीचे जब तक हम प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते, उसके नीचे जाएगा तभी जाकर मेरा कुछ प्लान हो सकता है कि निगेटिविटी मेरे माइंड में कुछ चल सकती है। उसके पहले पहले निगेटिविटी मेरे माइंड के अंदर नहीं चलने वाली, क्योंकि क्या ही फायदा है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर बाउंस बैक करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर बाउंस बैक करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर बाउंस बैक करेगा, और कुछ अच्छा खासा पैसा नहीं देगा, आपको नुकसान दे सकता है। दैट्स व्हाई फिलहाल के लिए मेरा प्लान तो कोई सेलिंग की तरफ नहीं है। 53,000 के नीचे जाने के बाद किस तरीके से मार्केट बिहेवियर देखते फिर उसी बात कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी वापस एक बार चीज बता रहा हूं, अगर मार्केट को सच में अपसाइड मोमेंटम करना है, कल मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाएगा या फिर ये सारे रेंज के ऊपर ऊपर गैप अप होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको जाना ही ऊपर है तो ये गैप अप करके ही जाना पड़ेगा इसको। ये ऐसे यहां से करके यहां से धीरे धीरे करके ऊपर जाकर ये मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है निफ्टी या बैंक निफ्टी को, तो दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं गैप अप तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर अपसाइड मोमेंटम करवा सकते। मैंने कुछ स्ट्रैडल क्रिएट करके रखा, आपको जिस तरीके से बता रखा है, छोटा मोटा गैप अप छोटा मोटा गैप डाउन नीचे भी हो जाता है तो मुझे उतना ज्यादा उस पोजीशन के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन अगर होता है तो उस कंडीशन पे थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हो सकता है, लेकिन मैं उसके लिए पहले से प्रिपरेशन हूं। इस ट्रेड के अंदर 1 लाख का नुकसान भी हो सकता है, ये मैं उसके लिए पहले से रेडी करके बैठा हूं, या फिर इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख का प्रॉफिट भी बन सकता है इजी तरीके से, क्योंकि मैंने एक रेंज क्रिएट करके रखा है और इस रेंज के अंदर का पूरा पूरा पैसा ले रहा हूं। अगर सोचो कि मैंने कॉल को 1500 क्वांटिटी को सेल करके रखा हुआ है, पुट को 1500 क्वांटिटी को सेल करके रखा हुआ है, मार्केट क्या करेगा किसी में एक चीज के अंदर, अगर दोनों साइड का मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर टाइम पास करता हुआ, अगर इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी तक भी घूम जाता है, जैसे कि ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूं, अगर हम इसी रेंज के अंदर हम यहां पर टाइम पास करते हैं और एक दिन भी पूरे दिन अगर कल के भी निकाल देते हैं, तो कल के दिन के अंदर अंदर ही मुझे लगता है 40 रुपीज तो मुझे कल के दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। 40 रुपीज मुझे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो 3000 क्वांटिटी टोटल मेरे पास है, 3000 × 40 ऑलमोस्ट उतना प्रॉफिट तो बन ही सकता है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटीज, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी मैंने शॉर्ट करके रखी हुई है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हो सकता है, प्लान हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन में आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप करो या ना करो, क्योंकि दिक्कत क्या आता है ओवरनाइट पोजीशन पे, आपको हैंडल बहुत चीजें करनी पड़ती है, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत करना पड़ता है। अगर मार्केट यही डाउन ट्रेंड में होता तो मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करता, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके वजह से मैं प्लान कर रहा हूं, और जो कर रहा हूं बताता भी हूं हमेशा आपको कि आप समझने में आपको मदद हो जाए, आपको कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट हो जाए। लेट इट सी कि आपको क्या पसंद है, आपका क्या मजा आता है, किस तरीके से आता है, देखने की कोशिश करते। चलो एक बार सेंसेक्स को देखने की कोशिश करते, जिस तरीके से मैं आपको सेंसेक्स धीरे धीरे कर बताने की कोशिश करा रहा हूं, अगर सेंसेक्स भी मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही कहीं ना कहीं हम चल रहे तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि मैं जितनी भी एनालिसिस करता हूं
मैं जितनी भी चीजें आपको बताता हूँ, क्या मैं सेंसेक्स पहले देखता था? बिल्कुल नहीं देखता था, लेकिन जैसे आपको सेंसेक्स बताने लगा उसका भी रिजल्ट आपको पता है, आपके आंखों के सामने बढ़िया तरीके से उसका रिजल्ट भी आ रहा है और आप भी कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉफिट बना पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। चलो अभी देखो सेंसेक्स क्या कहते हैं। सेंसेक्स के लिए भी सेम यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके बैठे हम, यही पर रेंज में सेम एनालिसिस है। मार्केट को गैप ओपन होना पड़ेगा अगर इसको अपसाइड मोमेंटम करना है। अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पर ओपन हो रहा है, प्लान देखिए, अगर मार्केट गलती से भी नीचे की साइड में यहाँ पर ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद मार्केट अगर पहली बार में सीधे वापस इस रेंज के अंदर आ जाता है और यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट कर जाता है, फिर तो मार्केट को बस आराम से थैंक यू सो मच बोल दीजिए, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, धीरे धीरे रेंज क्रिएट करेगा और फिर धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इट इज हाईली पॉसिबिलिटीज, इस तरीके से चांसेस मुझे मार्केट के अंदर दिख रहे हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सी, देखते हैं कि हम क्या प्लान क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है। इस तरीके से प्लान क्रिएट होने वाला है। अगर आपको सेंसेक्स के बारे में कुछ ज्यादा देखना है तो मार्केट अगर गैप डाउन, अगर यहां पर मार्केट डायरेक्टली सेंसेक्स ओपन हो रहा है या फिर गैप पर अगर मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है तभी जाकर यहां से अपसाइड या फिर यहां से डाउन साइड मोमेंटम करने के लिए रेडी हो सकता है। अगर स्लाइटली गैप डाउन भी यहां पर कुछ भी ओपन हो जाता है तो हाई चांसेस है, हाईली चांसेस है, हाई चांसेस की बात कर रहा हूं मैं, हाई चांसेस है कि ये रिवर्सल करके वापस इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। मेरे लिए सबसे बेस्ट तभी बन पाएगा कि स्लाइटली मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो भी सीधे जाकर इसी रेंज के अंदर घुस जानी चाहिए, या फिर से वापस ऊपर होकर फिर से पहली बार में सीधे नीचे चला आता है तो भी मुझे निफ्टी के अंदर मैंने जो पोजीशन क्रिएट करके रखी है बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर हम कन्वर्ट हो सकते हैं। लेट्स सी कि क्या प्लान बनाया जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं और एक दिन मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ेगा या फिर शांति रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही चीजें प्लान किया जा सकता है। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप, स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, सीधे वापस हम उसी रेंज के अंदर ऊपर ओपन हो जाए फिर नीचे आ जाए या फिर नीचे ओपन हो जाए फिर उसी रेंज के अंदर चला जाए तो फिर कोई अच्छा ट्रेड यहां पर बनने नहीं वाला, थोड़ा सा परेशानी आपको क्रिएट हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा कल के ओपनिंग के अंदर। टेलीग्राम पे चैनल पर ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको वहां पर मौका मिलता जाए। मैंने कल भी बोला था कि एक आपको वापस एक गिव अवे रखा हूं मैंने कल के लिए भी, मैं आपको एक चूज करने वाला पर्सन को, तो मैंने खुद कमेंट नहीं देख पाया सारे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। मैं आज के लिए टेलीग्राम पे आपको अनाउंस कर दूंगा उसके बारे में, तो आप वहां पर एक्टिव रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।